हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, और फ्यूचर में भी ऐसा ही प्यार आप मुझे देते रहें, इससे मेरा बहुत ही मोरल बूस्ट होता है। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक होम रेमेडी लेकर आई हूँ। आई नो मैं होम रेमेडीज़ की बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन स्टिल कुछ चीज़ों में जिनमें ये होम रेमेडीज़ काम करती हैं वहाँ तो भाई ये करती हैं। जैसे कि स्किन की क्लेंजिंग हुई, टोनिंग हुई, और इस तरह के पैक्स जो कि आप D10 पैक कह लीजिए, ब्राइटनिंग पैक कह लीजिए, इस तरह की चीज़ों में तो ये काम करती है। लेकिन जहाँ पर ये काम नहीं करती चीज़ें, वहाँ पर मुझे थोड़ा सा लगता है कि लोग इतना हाइप बना देते हैं कि ये लगा लीजिए ये हो जाएगा, वो लगा लीजिए वो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये कोई फेयरनेस पैक नहीं है, ये ब्राइटनिंग डिटैनिंग पैक है। मैं बाहर से होकर घूम कर आई हूँ तो स्किन कहीं ना कहीं धूप के एक्सपोजर में आती ही है, हल्की सी एक लेयर धूप की वजह से फेस पर आ ही जाती है सब। तो ये सजेशन ये है कि जब आप कहीं घूमने जाएं तो प्लीज़ उससे पहले आप ब्लीच फेशियल बिल्कुल ना कराएं, क्योंकि उससे आपकी स्किन क्या है और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और नाजुक कंडीशन में आ जाती है। और फिर जब धूप से सामना होता है तो आप जितना मर्जी सनस्क्रीन लगा लें, कुछ कर लें, थोड़ा बहुत असर 19-20 तो आता ही है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप जाएं, ऐसे ही चले जाएं घूमने और इन्जॉय करें वहाँ। ये ना सोचे कि हम कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं, उन सब चीज़ों पे ध्यान आप इतना मत दीजिए। आप वहाँ जाके वो मोमेंट इन्जॉय कीजिए, उसके बाद जब आप वापस आ जाएं तो फिर आप अपनी स्किन का एक पैम्पर रूटीन सेट कीजिए। अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए, फुल बॉडी के लिए आप एक पैम्पर रूटीन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल ये जो है पैक मैंने रेडी किया है, इसको मैं लगाने वाली हूँ अपने फेस पर और पूरी नेक पर। आप गांठ लगा लीजिए मेरी एक बात को, कि आपको यहाँ से लेके पूरा फोरहेड तक करना है। ये नहीं कि सिर्फ फेस फेस पे किया और बाकी सब इग्नोर कर दिया। नेक जो है हमारी, जितना नेगलेक्ट होती है उतनी जल्दी उसकी एजिंग शुरू हो जाती है। दूसरा हम बात कर लेते हैं कि हमने स्क्रबिंग की बात की थी, एक पूरा वीडियो मैंने स्क्रबिंग को और टोनिंग को डेडिकेट किया था। तो ये पैक जो है, दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्रबिंग एंड अ पैक, मतलब इसमें D10 भी होगी आपकी स्किन और साथ में एक्सफोलिएट भी हो जाएगी आपकी स्किन के ऊपर। जो डेड सेल्स हैं, जो कालापन आया हुआ है, जो स्क्रबिंग से निकलता है, वो भी इससे निकल जाएगा, क्योंकि अगेन इसमें हमने चावल का आटा लिया है। चावल का आटा हल्का सा दरदरा होता है, उसके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं जो हमारी स्किन को क्लेंज करने में, उसको एक्सफोलिएट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये आप ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। इसमें हमने सारे ऐसे इंग्रेडिएंट लिए हैं जो कि हमारी स्किन को हल्की सी ब्राइटनिंग देते हैं। देखिए, फेयरनेस के पीछे ना भागें, फेयरनेस इज़ अ स्कैम। आपकी जैसी स्किन का कलर भगवान ने दिया है वो सबसे अच्छा है, मुझे जैसा दिया है वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। और हमें बस क्या कोशिश करनी चाहिए कि हमारी स्किन टाइट रहे, हमारी स्किन स्मूथ रहे, सपल रहे, हमारी स्किन पर एक हल्का सा ग्लो रहे, उसी में हमारा जो है लुक बहुत अच्छा हो जाता है। और ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा फेयर होने पे आप बहुत ब्यूटीफुल नज़र आएं। ये तो देखिए, खूबसूरती तो देखने वाले की आंखों में होती है, और जिन लोगों का आप अच्छे लगते हैं उनको आप खूबसूरत भी लगें। हमें डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं या हमें बुरा फील कराने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। तो देखिए, मैं अब आपको ये पैक जो है मैंने कैसे रेडी किया वो आपके साथ शेयर करती हूँ, और उसके अलावा मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। वॉश करने के बाद का रिजल्ट मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। देखिए, वो मुझे बिल्कुल बकवास चीज़ लगती है। एक बार आप सिंपल पानी से भी धो लीजिए, आपने कुछ भी नहीं लगाया, सपोज आपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, लेकिन आप अपना फेस धो के एक बार मिरर में देखिए कितना फ्रेश और कितना ग्लोइंग और कितना अच्छा लगता है। वो फीलिंग तब तक रहती है जब तक वो मॉइस्ट रहता है, उस पर हल्का सा पानी टिका रहता है। तो देखिए, मैं ये पैक लगा के वॉश करके वो ड्रामा करके आपको दिखा दूंगी तो भी ओके है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि आपकी 2 दिन के बाद स्किन कैसी है, आपकी 1 दिन के बाद स्किन कैसी है वो ज़्यादा मैटर करता है, बजाय कि तुरंत धोने पे, वॉश करने पे तुरंत कैसी है। तो विदाउट फर्दर अडू, प्लीज़ हैव अ लुक हाउ आई क्रिएटेड दिस पैक, हाउ आई प्रिपेयर दिस पैक, और उसके बाद मैं आपको अप्लाई करके दिखा। ऐसे मेरी तरह से इसको ग्रेट कर सकते हैं और इसका अब हम रस निकाल लेंगे।
देखिए गुलाब की कुछ पत्तियां मैंने पहले से सुखा कर रखी हुई थी वो हमने ले ली हैं। अब हम इनको ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेंगे और दरदरा सा इसका पाउडर हम तैयार कर लेंगे और उसको भी हम अपने पैक में यूज करने वाले हैं। सारी तैयारियां भी कर ली हैं। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इस पैक को बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून फुल जो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी इस पैक का बेसिकली बेस का काम करेगा क्योंकि सारे प्रोडक्ट हमारे जो हैं ज्यादातर दरदरे दरदरे हैं तो ये बाइंडिंग का काम करेगा, उन सबको चिपकाने का काम करेगा स्किन के ऊपर। ये देखिए मैं ऐसे बचे हुए जो कंटेनर होते हैं ना खाली हुए हुए उनको मैं ऐसे यूज कर लेती हूँ। ये मैं ले रही हूँ मुलेठी पाउडर 1/2 चम्मच के आसपास आप ये ले लें। मुलेठी आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप से आसानी से मिल जाती है। ये जो लोग गाना गाते हैं या गले से संबंधित जिनके काम होते हैं ना वो लोग इसको मुंह में रख के चूसते हैं ताकि उनका गला साफ रहे। तो बेसिकली एक औषधि है, एक तरीके की आयुर्वेदिक चीज है ये। स्किन ब्राइटनर का काम करती है बहुत अच्छे से। उसके बाद ये मेरा एक और खाली हुआ बॉक्स है, ये एक जो था पील ऑफ मास्क था। इसमें मैंने चावल का आटा जो है पीस करके ले लिया है। चावल का आटा 1/2 टीस्पून में ले रही हूँ और इसके अंदर मैं डाल दूंगी। ये सारी चीजें हम इसके अंदर डाल लेंगे और इसके साथ अब हम डाल रहे हैं इसमें गुलाब की पत्तियों का पाउडर जो हमने पीस के लिया है। देखिए आप चाहें तो ये ऑनलाइन भी ले सकते हैं या किसी ग्रोसरी शॉप पे भी आपको मिल जाएगा, पर क्योंकि हमारे यहाँ गुलाब अवेलेबल थे तो मैंने उनकी पत्तियों को सुखा कर रख लिया है और अब मैं उसको पीस लिया है। अच्छा जी, अब हम आलू के रस से ये सारा जो है पैक रेडी करेंगे। लेकिन अगर इसमें आलू का रस हमारा कम पड़ जाएगा तो हम थोड़ा सा इसमें गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं। हमारा पैक रेडी होने लगा है। इसकी टेंडेंसी भी थोड़ा सा थिक हो जाने की है तो आप इसको थोड़ा सा पतला बनाएं, फिर लगाते लगाते ये थोड़ा सा थिक हो ही जाता है। तो ये आलू का रस ये मैं इसके अंदर डालती जाऊंगी। ये देखिए एक इंग्रेडिएंट और रह गया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ लाके। ये है दोस्तों एक कॉफी पाउच, ये आपको आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं या अमूमन घरों में पड़ा ही होता है ये, और हम ले लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हम एक D10 पैक बना रहे हैं जिसके लिए हमें सारे ऐसे प्रोडक्ट्स की जरूरत है जो हल्की सी ब्राइटनिंग स्किन को देते हों। तो देखिए ये इस तरीके से हम इसके अंदर सारे हमने वही एलिमेंट डाले हैं एक्सेप्ट फॉर मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी कोई ब्राइटनिंग का काम नहीं करती, लेकिन हमने मुल्तानी मिट्टी को बाइंडिंग फैक्टर के तौर पर डाला है ताकि ये सारे बाकी इंग्रेडिएंट जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। और क्योंकि आलू का रस हमने इसलिए लिया है, आलू के अंदर भी ब्राइटनिंग स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा गुलाब जल इसके अंदर डाल दिया है इसको थोड़ा सा टेक्स्चर को थिन करने के लिए। इसका थिन टेक्स्चर बनाएं आप, बहुत ज्यादा रनी नहीं मतलब, लेकिन ऐसा जो कि गाढ़ा ना हो। तो आप चाहें तो बहुत ज्यादा आप आलू का रस भी बढ़ा सकते हैं, 1 की बजाय 2 आलू का रस लें, लेकिन मैं थोड़ा सा गुलाब जल मिलाना भी प्रिफर करती हूँ क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत कूलिंग इम्पैक्ट देता है। तो ठीक है, ये देखिए पैक बन के हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और ये अब अप्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर सपोज आपने ये पैक रेडी कर लिया है लेकिन आप तुरंत अप्लाई नहीं कर पाए, कोई आ गया या कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि आप नहीं लगा पाए हैं, तो आप ऐसा कर लें इसमें इसको रख लें और बाद में हल्का सा इसमें या तो आलू का रस ही मिला लें दोबारा, या फिर आप इसके अंदर ये गुलाब जल मिला सकते हैं। तो ऐसा सा इसका टेक्सचर होना चाहिए जो थोड़ा सा स्किन के ऊपर पकड़ बनाए, मतलब गिरे नहीं लेकिन देखने में थोड़ा सा थिन भी हो। ठीक है, अब मैं इसको लगा के अप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको। और बहुत इफेक्टिव होता है फ्रेंड्स ये पैक, आप कहीं भी शादी पार्टी में जाने से पहले ये कर सकते हैं। ये पैक जरूर से जरूर बनाएं, लगाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। ये होम रेमेडीज के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ। और अगर आपको ये पैक पसंद आया और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका छोटा सा एफर्ट मेरे लिए बहुत बड़े मायने रखता है, बहुत काउंट करता है। और उन सब लोगों का मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
कोई भी पैक आप लगाएं तो अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लें, नीचे की तरफ नहीं, क्योंकि हमें अपने फेस को थोड़ा सा ऊपर उठाना होता है, नीचे नहीं लटकाना होता। और दूसरी बात, जब पैक आपका लग जाए, कोई भी पैक आपने लगाया है, मेक श्योर उसके बाद आप गपशप ना करें, बातें ना करें, इधर उधर किसी को एक्सप्रेशन ना दें हंसी के या गुस्से के, क्योंकि फिर वो लाइंस जो हमारे फेस पर सेट होने लग जाती हैं, जब ये टाइट होगा तो फिर वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी किसी भी तरीके से नहीं है। वो धीरे धीरे फेस के अंदर सेट हो जाती हैं। अब मैं जो है अपने स्ट्रोक्स ऐसे लगा रही हूँ अपने फेस पर, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो आप भी इसी डायरेक्शन में लगाएं। और जब ये वॉश करने का टाइम आएगा तो उसका तरीका क्या है वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। उसका तरीका ये है कि भाई आप अपने फेस पर जैसे स्क्रब करते हैं, पहले इस पूरे पैक को सूखने दें। सूखने के बाद क्या करना है कि जैसे आप कोई स्क्रब करते हैं अपने फेस पर और उसको धीरे धीरे क्लॉकवाइज मूवमेंट में आप उसको हटाते हैं, जिससे आपकी डेड सेल्स बाहर आ जाएं, उसी तरीके से आपको ये भी करना है। उसी तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको ये जो है पैक धीरे धीरे करके अपने फेस पे रगड़ रगड़ के उतारना है, लेकिन मूवमेंट इतनी हल्की हो कि आपकी स्किन छिले नहीं। क्योंकि देखिए, चावल का आटा हमने इसमें डाला है तो उसकी टेंडेंसी थोड़ा सा हार्श होती है, तो आप उसको हल्के हाथों से करेंगे तो वो अपना कमाल करेगा, और आप उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती से रगड़ देंगे तो आपकी स्किन के अंदर वो हल्की हल्की डैमेज भी कर सकता है। पिगमेंटेशन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए, और अभी मॉइस्चराइजेशन और यूज़ ऑफ सनस्क्रीन का भी हमारा जो सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी ना, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड SPF वाली, उसमें वो रहता है, वो भी अभी मुझे आपके लिए लेकर आना है। तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ पे थोड़ा सा रेगुलर वॉच रखें, और आपको बहुत ही काम की बातें मैं बताने वाली हूँ, आपको बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं मैं करूँगी, ऑनेस्ट चीज़ें बताऊँगी जो जैसे काम करती है बिल्कुल वैसे ही। मे भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बात अच्छी ना लगे, क्योंकि हमें क्या है कि हमें वो सुनना है जो हमें अच्छा लगता है। इस रेमेडी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके देखें, आपकी धूप से कुमलाई हुई स्किन को ये बहुत अच्छा सूदिंग इफ़ेक्ट देगा। और इसी के साथ हम अपना वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, और मेरे वीडियो को प्लीज़ से प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को, सो दैट